हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही मटन जो बहुत ही डिलिशियस बनके तैयार होता है। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो आइए क्विकली देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमने 1 किलो मटन ले लिया है जिसे हमने अच्छे से धोके वॉश करके रख लिया है। साथ में हमने 3 मीडियम साइज की प्याज ले ली है जिसे हमने बहुत बारीक या मोटा नहीं काटा, मीडियम साइज में काट लिया है। और हमने 1 कप दही ले लिया है जिसे हमने अच्छे से फेंट के रख लिया है। 1 मोटा टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है। और 1 हमने गड्डी ले ली है लहसुन की जिसे हमने छील के रख लिया है। 15 पीस हमने काजू के ले लिए हैं, कैशू नट्स। 15 हमने आलमंड्स बादाम ले लिया है। और इसके साथ ही हमने लिया है 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। 3-4 सूखी लाल मिर्च, 2 टीस्पून हमने धनिया लिया है खड़ा धनिया। और हमने कुछ गरम मसाले लिए, खड़े गरम मसाले जिसमें है 1 दालचीनी, 5 छोटी हरी इलायची, 5 लौंग, 2 तेज़पत्ता और 2 हमने बड़ी इलायची के दाने लिए हैं। तो ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना द वेरी टेस्टी शाही मटन। तो इसमें एक बोल में हम सारा मटन ट्रांसफर कर देते हैं और इसको हम सबसे पहले करेंगे मैरिनेट। तो अब इस पे हम डालेंगे नमक, जो हमने 1 टीस्पून नमक निकाला है, और साथ में जो दही है फिटा हुआ वो हम इस पे डाल देंगे। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे और थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए हमारे मटन के पीसेस। तो जब तक हमारा मटन मैरिनेट होता है हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और प्याज हम इसमें डाल के इसको अब हम सौते कर लेंगे। इसको हल्का सौते करना है, बहुत डार्क ब्राउन हमें नहीं करना, बस बहुत ही लाइट ब्राउन। इसका जैसे ही कलर इस तरह का हो जाए तो बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कटा हुआ अदरक है, लहसुन है, काजू, बादाम, खड़े गरम मसाले, सूखी लाल मिर्च और साथ में जो खड़ा धनिया है वो भी हम इस पर डाल देंगे। और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए सौते करके फिर हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसको हमने अच्छे से सौते कर लिया है कुछ सेकंड्स के लिए। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको फिर हम पीस लेंगे। जैसे ही ये ठंडा होता है हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब एक कुकर ले लेते हैं, इसमें हम ऑयल डाल दे रहे हैं और इसके अंदर जो हमारा मटन है अब अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो इसको हम डाल देते हैं कुकर के अंदर और इसको हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई, सौते कर लेंगे जब तक कि इसका पानी ना जल जाए, जो दही का और मटन का पानी निकलेगा और साथ में मटन का कलर भी चेंज हो जाए, तब तक हम इसको कर लेंगे अच्छे से फ्राई। और जब तक ये मटन फ्राई होता है, मसाला ठंडा हो गया है, तो इसको हम पीस लेते हैं मिक्सर में। थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड करते हैं और फिर इसको हम बहुत फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। और यहाँ अब मटन बहुत अच्छा भुन चुका है, ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और सारा तेल दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छा भुन गया है। अब इसमें जो हमने ग्राइंडर में मसाला पीसा है वो हम इसमें सब ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। तो अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से ताकि मसाला भुन जाए जो अभी हमने डाला है मटन के साथ। तो ये 5 मिनट बहुत अच्छा भुन चुका है। अब इसमें हम 2 कप पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हम इसको विसल दें और हमारा मटन बहुत अच्छा गल जाए। तो हम इसको कवर करके अब करीब 3 से 4 सीटी देंगे और फिर हम 10 मिनट इसे लो फ्लेम पे रखेंगे। और 3 सीटी के बाद इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे खोल के देख लेते हैं और ये बहुत ही परफेक्ट कुक हो गया है। देखिए बहुत अच्छा भुन गया है, तेल भी सारा सरफेस पे आ चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये बहुत पतला होता है ना बहुत ज़्यादा थिक, और मटन पीसेस भी बहुत ही अच्छे गल चुके हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और ये हमारा बहुत ही लाजवाब, खुशबूदार, जायकेदार शाही मटन बन के तैयार हो गया है। इट्स अ मस्ट ट्राई, ये बहुत ही मजेदार बनता है। एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।